नियम आप बना लो इन्हीं बातों का कि हम लोगों को जोड़ेंगे, टूटने वाले लोगों को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुई सुहागा संत जन, बिछड़े रहे मिलाए। आप संत के जीव हो, संत के बंदे हो, आप बिछड़ों को मिलाने की कोशिश करो। कतरनी जो होती है, छुरा जिसको कहते हैं, कैंची जिसको कहते हैं, ये क्या काम करता है? काटने का काम करता है। और सुई और सुहागा ये जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश इस बात की करो कि लोगों को जोड़ो, बिछड़ने न पावें, भगने न पावें, उसकी कोशिश आप बराबर करते रहो। आप देखो कि जिसको कुछ थोड़ा मालूम भी हो गया संकट के बारे में, आप ये समझो कि उनको समझाने में आसानी है, नए आदमी को आने समझाने में दिक्कत भी है, समय भी है, तो आप कोशिश करते रहो कि समझ जाएं, पुराने लोग भी समझ जाएं। अब जो नहीं समझ सकता है, स्वार्थ में डूबा हुआ है, जो किसी स्वार्थ के रंग में रंगा हुआ है और बिल्कुल एक तरह से उसी रंग में पक्का हो गया, तो उस पर दूसरा रंग फिर नहीं चढ़ेगा, तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे नहीं पड़ना है। कोई बैठा हुआ है तो भाई उठो 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 चलो, और अगर नहीं चलता है तो वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाने की जरूरत है। जैसे मान लो आंधी आफत आ रही है और आपको खबर लग गई कि आंधी आफत आ रही है, तो आप लोगों को बचाना चाहोगे तो कहोगे भाई उठो उठो उठो, आंधी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, घर खाली कर दो चलो, और आपके साथ चलते तो चलते, और अगर वो कह दे रुको हम भी चलते हैं, तो हाथ पकड़ के बैठा लेगा और आप फिर तूफान में आ जाओगे। इसलिए आप आगे बढ़ते जाओ, दूसरों को चेतावनी देते जाओ, दूसरों को बताते जाओ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। तो गुरु महाराज के भी संगत में, उनके जाने के बाद के संगत में भी तरह तरह के लोग आए, हर तरह के लोग आए, स्वभाव नहीं छूटता है कौन किस योनि में रहा है। दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया तो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है, कोशिश करो बदलने की, और नहीं मानता है तो कोई दूसरा बदलेगा, तीसरा बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो उसके पीछे नहीं पड़ने का है। तो आप लोग बराबर ध्यान भजन और सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको बराबर प्रेम में चलाते रहो। इतवार को, गुरुवार को, मंगलवार को, जब भी आप हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होते हो, आप इकट्ठा होते रहो, ध्यान भजन सुमिरन करते रहो, गुरु महाराज की बातों को लोगों को बताते रहो, पढ़ करके सुनाते रहो, नाम धुनी जय गुरुदेव नाम की जो है उसको बुलवाते रहो, और गांव में आओ, एक जगह इकट्ठा होकर अगर ध्यान भजन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जरूर है कि काल और माया का जोर है, काल का जोर माया के ऊपर, माया का जोर काल के जीवों पर बहुत पड़ता है, और काल के जीव अगर बन जाओगे या कोई काल का जीव आ गया तो आप ये समझो कि माया का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, और माया के ऊपर औरतों के ऊपर पुरुष का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए कोशिश इस बात की करो कि आप कोई ध्यान भजन का कार्यक्रम करोगे, सत्संग ध्यान भजन का कार्यक्रम करोगे, तो वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था बना लो, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। देखो यह काम वासना यह कब खत्म होती है, कि जब कामना खत्म हो जाती है, इच्छा किसी चीज की नहीं रह जाती है और समभाव हो जाता है, जब यह जीवात्मा बिल्कुल नंगी दिखाई पड़ती है तब यह भावना खत्म होती है, और नहीं तो ये कभी भी, चाहे पुरुष के अंदर हो चाहे स्त्री के अंदर हो, ये जागृत हो जाती है।